ओके तो हेलो गाइस, मैं फिर से आ गया हूँ एक माइनक्राफ्ट का न्यू वीडियो पे। इस वीडियो पे मैं फिर से एक बार खेलने वाला हूँ माइनक्राफ्ट। तो चलो बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। ओके इंटर में आप सब लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो इस वीडियो पे मैं माइनक्राफ्ट खेलने वाला हूँ एंड आप लोग को पता ही होगा इस वीडियो पे क्या होने वाला है। आप लोग टाइटल और थंबनेल देख लिए होंगे। तो इस वीडियो पे होने वाला है अपना आयरन फार्म बनाने वाला हूँ। आप लोग देख सकते हो कोई भी विलेजर यहाँ पर नहीं है क्योंकि वो सारे को ऊपर लेके चला गए हुए। देखो भाई, यहाँ पर गोलम जैसे स्पॉन हो रहे हैं आयरन फार्म पे भी वैसे ही स्पॉन हो गए गोलम्स। तो चलो मैं जल्दी से सारे बेड लेके चलता हूँ क्योंकि बेड का भाई ले भी नहीं सकता ना। रुक जाओ, मैं एक जुगाड़ करता हूँ सारे बेड लेने का। मैं एक एंडर चेस्ट बनाऊंगा। एंडर चेस्ट ही होता है ना, ये देख सकते हो यहाँ से लेके गया हूँ मैं सारे विलेजर्स को ऊपर सोल सैंड लगा के। आप लोग सोच सके कि कैसे ले गया हूँ, तो मैंने दिखा दिया हूँ एंड वो सारे विलेजर्स कहाँ पर है वो भी दिखा देता हूँ आप लोग को। ये देख सकते हो इसके अंदर है सारे विलेजर्स। तो मैं जल्दी से एक एंडर चेस्ट बना लेता हूँ। मेरे पास ऑलरेडी एंडर पर्ल होगा, मेरे को ज़्यादा तक पता है। मैं बहुत सारे तो नहीं बट थोड़े बहुत को तो मारा हूँ एंटायर मैन इसको। तो ये देखो दो चाहिए एंड ब्लेज रॉड भी चाहिए। ब्लेज रॉड होगा नीचे, एक ब्लेज रॉड से बन जाएगा। तो नहीं चल जा, चलो इसको नहीं छोड़ना है। मेरे को चाहिए एक ब्लेज रॉड। चलो एक ब्लेज रॉड भी मिल गया है मेरे को एंड इसको शायद से यहाँ पर रखते हैं एंड इसको हाँ ऐसे ही बनता है शायद से। तो मेरे को ज़्यादा क्या फिर कोई बार रेसिपी भी देख लेता हूँ भाई। ऑक्सीडेंट चाहिए ना, मैं जल्दी से जाकर ऑक्सीडेंट कलेक्ट कर जाता हूँ। मेरे पास ऑक्सीडेंट नहीं है। ओके तो मैं ऑक्सीडेंट कलेक्ट करके भी लेके आ गया हूँ। ये देख सकते हो मैंने बाहर पे दो गोलम्स रखा, उस साइड भी एक होगा, पता नहीं अब दिख नहीं रहे। उस साइड एक, इस साइड एक स्पॉन किया हूँ मैं दो गोलम्स को। तो मेरे पास 16 ऑक्सीडेंट आ चुके हैं एंड अब बनने वाले हैं दो एंडर चेस्ट। एक मैं यहाँ पर रख देता हूँ एंड दूसरा मेरे पास रखूँगा। पहले तो मैं सारा अपना फालतू सा मैं इस चेस्ट पे रख देता हूँ क्योंकि स्पेस रहे मेरे पास। तो ये चाहिए इसका ज़रूरत नहीं है, ये भी रख लेते हैं, इसका भी ज़रूरत नहीं है। मैं सारा निकाल देता हूँ सामान। ओके तो गाइस मैं ऑलमोस्ट सारा सामान ले चुका हूँ, ये देख सकते हो। ये है फिलहाल के लिए अपना शल्कर बॉक्स टाइप, तो इसको कलेक्ट कर लेते हैं। एंड मेरा एक्सपी देख सकते हो आप लोग 58 हो चुका है। वो हो चुका है पिछले वाला वीडियो पे मैंने जो ये बनाया था ना ड्रोनर फॉर्म एक्सपी फॉर्म जो बोलो आप लोग, उसके मदद से इतना ज़्यादा एक्सपी हो चुका है मेरा। तो पहले तो सो जाते हैं एंड उसके बाद चलते हैं करने के लिए। तो जल्दी से चलो भाई। तो ओके सुबह हो चुका है, देख सकते हो इसके अंदर भी आ जाता है सारा सामान एंडर चेस्ट से ही। अच्छा बात होता है कि कहीं पर एंडर चेस्ट रख भी देते हैं ना हम, तब भी हमारे पास आ जाता है। पहले तो हम जाके एक प्लेस डिसाइड करता हूँ कि मैं कहाँ पर बनाऊँ अपना आयरन फॉर्म। तो मैं चलता हूँ यहाँ से, बहुत ज़्यादा दूर पे बनाना होगा, कम से कम 200 ब्लॉक दूर पे बनाना होता है शायद से विलेज से। तो हम यहाँ से चलते हैं थोड़ा इस साइड पे, हम डिसाइड करते हैं कि कहाँ पर बनाएं अपना फॉर्म। तो अपना घर रेंडर नहीं होना चाहिए, उतना ज़्यादा दूर चला जाऊँगा भाई। चल ले, खाना भी नहीं लिया हूँ इस बार भी, लिया हूँ याद भी नहीं मेरे को। देखता हूँ भाई, नहीं गिरना। चलो मैं सोच रहा हूँ कि ओशन के ऊपर बनाए, मैंने सुना हूँ कि ओशन के ऊपर आयरन गोलम बहुत ज़्यादा स्पॉन होते हैं बट उसके पास AFK होना पड़ता है क्योंकि इतना ज़्यादा दूरी पे स्पॉन नहीं होते हैं ज़्यादा मेरे को पता है। तो हम किसी ओशन के ऊपर चलते हैं जहाँ पर अपने पास ही है ओशन, इसीलिए ओशन पे जा रहा हूँ भाई। हॉर्स लेके आऊँगा इसके बाद से ताकि आने में देरी ना हो, तो जल्दी से चलते हैं। चलो ओशन तो आ चुका है एंड यहाँ पर बनाते हैं अपना फॉर्म। तो पहले तो मेरे पास यहाँ पर एंडर चेस्ट यहाँ पर रख देता हूँ ताकि मेरे को सारा सारा मिलते रहे भाई। वाह, देख सकते हो कैसे फिटा है। तो मैं यहाँ से स्टोन ले लेता हूँ, स्टोन ब्रिक नहीं, स्टोन ले लेता हूँ मैं सारा, ताकि ये सारा स्टोन को मैं कन्वर्ट कर दूँगा स्टोन ब्रिक्स पे। एक बेड भाई बहुत ज़्यादा प्लेस ले रहे हैं बेड तो 296 और 32। चलो सारा स्टोन ले चुका हूँ मैं एंड इसके ऊपर बनाने वाला हूँ अपना फॉर्म भाई। इसके ऊपर ब्लॉक नहीं लगता भाई, ये बड़ा दिक्कत वाला सीन। तो यहीं से ब्लॉक पहले तो इसको निकालूँगा
इसके ऊपर ब्लॉक रखता होता तो बढ़िया होता है शूज़ का, इसके ऊपर ब्लॉक ही नहीं लग रहे, तो ऐसे आगे चलते हैं। भाई मैं स्प्लिट कंट्रोल निकाल रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, इससे करूँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो मैं इसमें थोड़ी देर के लिए स्प्लिट कंट्रोल तो निकाल दिया हूँ क्योंकि ऐसे करूँगा ना तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, इसीलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा फिल करने का काम होता है यहाँ पर, स्प्लिट कंट्रोल से करने पर बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। चलो थोड़ा और आगे चलते हैं वैसे। ओके तो गाइस आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मैं छोटा से बना दिया हूँ, एंड अब चाहिए हमको क्लास यहाँ पर 3x3 का बनाना होगा मेरे को, तो यहाँ पर आएगा 1 2 3 एंड यहाँ पर 1 2 3 एंड यहाँ पर आएगा 1। टी ही बना रहा हूँ शायद से, तो टी ही बना रहा हूँ, नहीं तो मैं बाद में देखूँगा फिर से एक बार। तो यहाँ पर तो हो चुका है अपना काम, मैं इस साइड रखूँगा अपना चेस्ट ताकि आने में दिक्कत ना हो। भाई टूट जा भाई, एफिशिएंसी 5 से करने के बाद ये 3 से बहुत ज़्यादा स्लो लग रहा है मेरे को। तो यहाँ पर लगा देते हैं अपना चेस्ट, डबल चेस्ट लगा दिया हमने, एंड इसको अटैच करके होपर से आएंगे सारे। तो ये सारे होपर्स चेस्ट के ओर ही फेस करना होगा, ये होपर्स इसके साइड, वो होपर्स इसके साइड। तो मैं इनमें डाल के भी देख लेता हूँ सामान, इसके अंदर रख दिया हूँ, सारे चेस्ट के अंदर आना चाहिए तब ठीक है, गए कि देख सकते हैं हम लोग। हाँ सारा ठीक है, तो इसके अंदर थोड़ा बहुत फालतू सामान रख देते हैं क्योंकि उसका काम नहीं है, सिर्फ स्पेस घेर रहा है उसके। भाई लावा भी लाना था, भूल गया मैं, चलो कोई बात नहीं बाद में ला देंगे। तो अब हमको यहाँ पर बनाना होगा, 3 ब्लॉक साइड जाना पड़ेगा यहाँ से, ए ब्लॉक को गिन नहीं सकते, इसके ऊपर 3 ब्लॉक, 1 2 3, तो यहाँ पर 3 हो चुके हैं, ऐसे ही सारा को करना पड़ेगा। तो इस आयरन फॉर्म बन गया है ना भाई, बहुत ज़्यादा अच्छा होगा क्योंकि हमको बहुत ज़्यादा आयरन मिल सकता है, हमको आयरन की बहुत ज़्यादा कमी है। तो सारा 3x3 बन चुका है, तो 3 ब्लॉक और हेट आ गया है, अब चाहिए एक और ब्लॉक हेट जाना पड़ेगा यहाँ से। तो यहाँ से एक और ब्लॉक हेट चलते हैं हम जल्दी से। तो हम ऑलमोस्ट, चलो ये तो हो चुका है, एंड अब हमको ये मिडिल वाला ब्लॉक नहीं गिनना होगा, यहाँ से मिडिल वाला ब्लॉक छोड़ के यहाँ से ए ब्लॉक 1 है एंड यहाँ पर 2 ब्लॉक, ऐसे करते हुए हमको 9 ब्लॉक तक जाना है। ये हो गया 1 ब्लॉक अपना, ये हो गया 2 ब्लॉक, एंड 9 तक चलते हैं, 3 4 5 6 7 8 एंड 9, सारे साइड भी ऐसे ही करना होगा हमको 9 ब्लॉक तक। तो इसको मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम घेर लेगा। ओके तो गाइस ये देख सकते हो भाई यहाँ पर रह गया क्या, मैं सोचा कि पूरा हो चुका है, बट मेरे ब्लॉक्स तो ख़त्म हो गए हैं सारे, मेरे पास जितने हैं एंडर चेस्ट में हैं, बाकी ब्लॉक जाके मैं एंडर चेस्ट से लेके आता हूँ जल्दी से। तो इसको भी फिल होने देते हैं एंड मैं एंडर चेस्ट से भी ब्लॉक्स लेके आता हूँ। ओके तो गाइस ये देख सकते हो मैंने सारा इसको फिल कर दिया हूँ, जो 9x ऐसे 9 किया है ना वो सारे को फिल कर दिए हैं हम। तो अब करना पड़ेगा यहाँ पर एक और काम, जो है कि यहाँ पर एक ब्लॉक लगो एंड इसके ऊपर एक ब्लॉक एंड नीचे वाला ब्लॉक को तोड़ दो, एंड ऐसे ही 2 ब्लॉक की हाइट तक पूरे को लेके जाना पड़ेगा, ऐसे पूरा पूरा राउंड तक कर देना पड़ेगा ऐसे 2-2 ब्लॉक करके। मैं सारा करता हूँ उसके बाद आपसे मिलता हूँ, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा सारे दिखाए तो, एंड अब क्या ही करें, तो मैं जल्दी से करता हूँ एंड उसके बाद आपसे मिलता हूँ। ओके तो सॉरी गाइस, वीडियो चालू पे नहीं था, सारा काम कर दिया हूँ, कुछ ज़्यादा काम नहीं किया हूँ। ये देख सकते हो यहाँ पर मैंने बोला था ना कि ये डबल ब्लॉक लगाना है, ये लगाने के बाद यहाँ पर कॉर्नर पे, हर कॉर्नर पे एक एक ब्लॉक लगा के यहाँ पर पूरा से पानी भर देना होगा, इस चारों साइड भी सेम ऐसे ही करना होगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे साइन बोर्ड्स लगाना पड़ेगा आप लोग को, ऊपर कुछ अलग दिख रहा है ना भाई, वाइट वाइट दिख रहा है, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पर सारे पे आप लोग को ये साइन बोर्ड लगाना पड़ेगा ताकि यहाँ पर आएगा अपना लावा, जैसे पानी डाला हो ना ऐसे लावा आएगा ताकि गोलम मच जाए, इसलिए वहाँ पर साइन बोर्ड लगाना पड़ेगा, वरना होपर्स पे आ गया, होपर्स पे आ जाएगा, इसीलिए होपर्स पे नहीं आना होगा लावा को, वरना अपना आयरन भी जल जाएगा, इसीलिए वहाँ पर ला लिया हूँ भाई लड़का वाटर। चलो पहले तो ऊपर चलते हैं हम भाई, कहाँ पर लगा दिया हूँ यार, कलेक्ट हो जाए, चलो कलेक्ट हो गया है अपना वाटर, एंड यहाँ पर मैं डाल देता हूँ लावा, ओ भाई लावा लास्ट पे डालते हैं या डाल देते हैं, चलो कोई बात नहीं, इस वाला ब्लॉक पे आएगा लावा,
सारा काम हो गया ना। चलो फिलहाल के लिए इसको बंद कर देते हैं, वरना हम लावा पे गिर सकते हैं, क्योंकि ये पानी का फ्लो पूरा लावा पे ही जाएगा ना इसलिए। तो अब यहाँ पर ऊपर रखना होगा हमको बेड इसके ऊपर, तो अपना एंडर चेस्ट अपने पास ही है। तो चलो यहाँ पर कितने ब्लॉक का, 3 ब्लॉक छोड़ना है शायद से, भाई है यहाँ पर नहीं खिलाड़ी, शायद से तो 3 ब्लॉक छोड़ना पड़ेगा, ठीक से याद भी नहीं है यहाँ पर। चलो हम यहाँ पर से लगाते हैं ब्लॉक, तो यहाँ पर लगा देते हैं, पूरा राउंड लगाना पड़ेगा इसे। यहाँ पर 3 हो चुके हैं एंड यहाँ पर एक आएगा, पूरे 7 बेड आना चाहिए, 3 रो आएगा एंड 7 बेड आना चाहिए, एक एक रो में 3 एक एक रो में 7 बेड आना चाहिए, वैसे लगाना पड़ेगा। पहले तो अपना एंडर चेस्ट ले लेता हूँ एंड इसके अंदर से सारे बेड निकालते हैं। हाँ मेरे स्टोन बहुत ज़्यादा कम हो गए थे, इसीलिए मैं घर पे जाके फिर से स्टोन लेके आया हूँ, चेस्ट पे थे स्टोन्स, नहीं होते भी मेरे पास सिल्क एच पिकअप से कहीं से, तो माइन करके डायरेक्ट स्टोन ही लेके आ जाता था। तो अब सारे बेड चाहिए इसलिए मैं सारा सामान यहाँ पर रख देता हूँ एंड अपना सिल्क टच का पिकअप साथ रखते हैं। भाई ये ऑलवेज दब जाता है, पता नहीं क्यों दबता है, इस बीच में दबना चालू हो गया, पहले दबता नहीं था मेरे से। तो यहाँ पर आएंगे अपने बेड, 1 2 4 ही आए भाई, 5 6 7 अंडर चेस्ट पे है क्या, दिखता हूँ, रुक जाओ, अंडर चेस्ट पे नहीं हो गया ना, मैं जाके बनाना पड़ेगा। चलो घर पे जाके चेस्ट घर पे जाके मैं लेके आता हूँ ये बेड्स को, मेरे पास ऊल पड़ा हुआ है एंड लकड़ी पड़ा हुआ है, तो चलते हैं। ओके तो गाइस मैं बेड भी लेके आ गया हूँ एंड यहाँ पर वाला पूरा स्टोन्स भी निकालना पड़ेगा आप लोग को, वरना गोलम ऊपर स्पॉन हो जाएंगे बेड के ऊपर, इसीलिए वहाँ से ब्लॉक निकालना बहुत ज़्यादा मेन चीज़ होता है, वहाँ से ब्लॉक निकालेगा नहीं तो ऊपर स्पॉन होना चालू हो जाएंगे। भाई ब्लॉक लगा देता हूँ एंड यहाँ से चलते हैं ऊपर। तो भाई यहाँ पर नीचे से ब्लॉक चाहिए ना फिलहाल के लिए, वरना ये बैठ कैसे लगेगा। तो यहाँ पर ब्लॉक लगा देता हूँ मैं नीचे, लगेगा नहीं क्या, तो भाई दिक्कत हो गया। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर एक ब्लॉक लगाते हुए ऊपर चलते हैं, इसको निकालो, मैं सारा बेड लगा देता हूँ। तो गाइस मैं सारा बेड लगा तो दिया हूँ, 90% काम हो चुका है अपना फार्म का, ये लास्ट 10% काम सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट वाला है, वो है विलेजर्स को लेके आना। भाई विलेजर्स को लेके आना मतलब आपको पता ही होगा वो कितने कैसे लेके आना होता है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो मैं जल्दी से जाके कैसे ना कैसे, मेरे पास रेल वगैरह है उनसे मैं लेके आ जाता हूँ विलेजर्स को। तो यहाँ पर रेल रख दिया था, इनको भी लेके चलते हैं रेल वगैरह। तो मेरे को और भी फॉर रेल लगाना होगा, बट मैं नहीं लगाऊंगा, मैं कैसे भाई, यहाँ पर 3 बेड थे, मैं जाके घर पे बना के आया, बहुत बढ़िया यहाँ पर रख दिया था, इसीलिए तो सोचा कि ये मैं तो 20 बेड लाया था, ये कम कैसे हुए। तो अपना फर्स्ट वर्कर देख सकते हो कैसे चलता है, हमको पानी में भी चल सकता है इसका मदद से। तो भाई मैं वीडियो कट कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होगा, मेरे को लंबा वीडियो अपलोड करने, भाई टर्टल्स देख सकते हो, टर्टल है तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो करने पे मेरे को भी दिक्कत होगा अपलोड वगैरह करने पे, तो इसीलिए मैं छोटा कम कम से कम वीडियो लंबा हो ऐसे ही देखता हूँ। तो मेरा हंगर खाली हो चुका है, मेरे को खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो मैं जल्दी से घर पे जाता हूँ, भाई मैं हमेशा खाना भूल रहा हूँ ऐसे। भाई वीडियो चालू पे नहीं है, अब क्या करें, हमेशा यही होता है मेरे से, ये वीडियो चालू नहीं होता है भाई, मैं सोचा कि वीडियो चालू पे है, अरे चालू पे नहीं है, मैं सुबह पे दिखा दूंगा, सुबह जब होता है गेम पे। यहाँ पर आप लोग को वर्क स्टेशन लगाना पड़ेगा, सूखने लग गए हैं यहाँ पर 4 और ये 5 एंड बाकी के भी लगा देते हैं यहाँ पर 6 पूरे। आप लोग को यहाँ पर 10 विलेजर्स रखना होगा, 7 एंड उन्हीं के साथ 10 10 वर्क स्टेशन भी रखना पड़ेगा।
8 हो चुका है यहाँ पर, 9 और 10 लग गया। ओके यहाँ पर अपने सारे वर्क स्टेशन लग चुके हैं एंड यहाँ पर रात भी हो चुका है। तो अब भाई इसमें से देखो कैसे अफेक्ट आ रहा है भाई है, तो इसको भी तोड़ देते हैं हम सिर्फ टच वाला पिकअप से एंड नीचे बेड से है ना उस पर जाके मैं सो जाता हूँ। ये देख सकते हो भाई यहाँ पर आइस क्यों बन रहा है मेरे को क्या नहीं पता, मैं फर्स्ट वर्क अभी फेरा नहीं हूँ फिर भी आइस बन रहा है यहाँ पर, इसके ऊपर रख सकते हो भाई आइस के ऊपर सो रहा हूँ मैं बहुत बढ़िया। बट स्पॉन हो गए या नहीं इसी का डाउट है मेरे को, अब तक तो एक भी स्पॉन नहीं हुआ, ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है मैं इसको बनाए हुए, अभी अभी हुआ है बनना। तो एक बार ऊपर चल के देखता हूँ एंड जो भी फालतू ब्लॉक है सारे को निकालना पड़ेगा वरना दूसरी से स्पॉन हो जाएंगे। तो अपना एफिशिएंसी वाला पिकअप ले लेता हूँ एंड चलते हैं भाई। ये वीडियो ना चालू पे नहीं होने वाला प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो चुका है मेरे को तो भाई। ये विलेजर जॉम्बी कैसे बन गया तो किसके विलेजर, मेरे तो नहीं है, मेरे हो गए तो दिक्कत हो जाएगा, मेरे नहीं है भाई मुझे चाहता क्या था, क्योंकि वो उसको तो मैं सेव करके रखा हूँ ना और वो मेरे हो ही नहीं सकते। ये सारे ब्लॉक्स को, ये सारे ब्लॉक्स मैं रेल को लेके आने के लिए रखा था, रेल को ऊपर लेके आया था ना, इसलिए वो सारा भी तोड़ भी दिया था भाई आपके सामने ही। बट ये चालू के नहीं होते हैं और कुछ कर भी तो नहीं सकते। अब से वीडियो बंद करने के बाद फिर से चालू करता ना, ध्यान से चालू करूँगा वरना पूरा वीडियो बेकार हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हुआ है, इतने ज़्यादा विलेज 20 विलेजर को लेके आना पड़ेगा, 20 विलेजर आप लोग समझ ही सकते हो एक विलेजर को लेके आने के लिए ही कितना ज़्यादा टाइम लग जाता है, वैसे 20 विलेजर को लेके आना मतलब आप लोग सोच ही सकते हो। स्पॉन हो रहा है कोई गोल, अभी तक क्यों नहीं स्पॉन हुआ भाई, स्पॉन हो जाना चाहिए इतना टाइम तक तो। हाँ ये बोलना भूल गया कि यहाँ पर वर्क स्टेशन भी लगाना पड़ेगा, नीचे एक बकेट ऑफ वाटर लगा के सारा कवर कर दिया हूँ एंड ऊपर भी एक अच्छा वाला ब्लॉक से कवर किया हूँ ताकि बारिश पे बिजली बढ़ता है ना तब उससे विच ना बन जाए विलेजर्स, इसीलिए आप लोग को भी कवर करना पड़ेगा वरना जब बारिश वगैरह होगा तो विच वगैरह भी बन सकते हैं विलेजर्स, इसीलिए इसके अलावा तो कुछ है नहीं कि कवर करने का। तो पता नहीं ये ब्लॉक्स कहाँ के हमें क्यों, तो ये ब्लॉक यहाँ पर नहीं होना चाहिए भाई, गिर गया। साउंड कम करना भूल गए सॉरी गाइस, थोड़ा बहुत साउंड का प्रॉब्लम हो सकता है तो मैंने थोड़ा ये करना भूल गया हूँ। एंड अब चलते हैं ऊपर, एक बार देख लेते हैं आयरन फॉर्म काम कर रहा है या नहीं, नहीं कर रहा होगा तो मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूँगा एंड देखते हैं काम करेगा भी या नहीं रिकॉर्डिंग ऑफ करने पर, नहीं काम करेगा तो कुछ करने कर भी नहीं सकते गाइस, तो देखते हैं कि काम करे। तो जल्दी से चलते हैं अपना फॉर्म पे। ओके तो देखते हैं, कुछ भी स्पॉन भी नहीं हुए भाई बट ये फिशेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं देख सकते हो, और कुकड़ भी होते हैं, कुकड़ फिशेस आ जाते हैं ताकि लावा में मरते हैं ना इसलिए जल के कुक हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। तो स्पॉन नहीं हो रहे, मैं देखता हूँ कि ऑफलाइन पे स्पॉन होंगे तो बढ़िया होगा वरना तो क्या ही कर सकते,
आज के इस वाले वीडियो पे सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बाय गाइस।